भीड़ देख रहे हैं, ये कोई चुनावी भीड़ नहीं है, ये सरकार द्वारा मुफ्त राशन की दुकान पे कार्डधारकों को राशन वितरित किया जा रहा है। और इस बाबत जो है यहाँ के कार्डधारकों ने बताया कि हमको राशन हर बार कटौती करके मिलता है, वजन में भी घटतौली होती है, जबकि यहाँ का कोटेदार कहते हैं कि हमको जो है राशन जो है वहीं से कम मिलता है, बोरी का वजन नहीं मिलता। और जो यहाँ के यशमाई है मिथिलेश सिंह, उनके द्वारा हमें पूरा राशन नहीं दिया जाता। इस बाबत हमने शिकायत भी करी है उच्चाधिकारियों से, और कई बार पत्रकारों के भी माध्यम से इन्होंने अवगत कराया है कि हमको जो है पूरा राशन दिया जाए, वजन करके दिया जाए, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती। बोरी का वजन भी दिया जाए, ये खुद अपनी बात बता रहे हैं। बताइए, बताइए, बोरी का वजन भी नहीं मिलता हमको, बोरी का वजन नहीं। तो सीधे खड़े होकर बताइए ना, चल क्यों रहे हैं, बताएं कि क्या क्या दिक्कतें हैं आपको। बोरी का वजन नहीं मिलता है, तौल के नहीं मिलता है। बोरी का वजन इनको नहीं मिलता, तौल के नहीं मिलता, तो इस बाबत आप अपने अधिकारियों से भी तो कह सकते हैं। किस किस अधिकारी से आपने कहा है, रिटेन में कहा, मौखिक कहा? हम लोग लिखित कहाँ दे पाएंगे, मौखिक कहेंगे लिखित कहाँ। तो आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? राजू प्रसाद गुप्ता। राजू प्रसाद गुप्ता किस गांव के कोटेदार हैं? खजुरा। कौन सा ब्लॉक आपका पड़ेगा? इस बाबत आपने कभी एसडीएम या जिला अधिकारी से बात करी? आप लोगों का संघ भी है, संघ है तो संघ अपना करता है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं व्यथित हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत यहाँ के कुछ कार्डधारकों से बात करते हैं, कोटेदार से बात करते हैं। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड। लाल कार्ड है। कितना राशन का है इसमें? आधा है, 20 रुपए है, आधा किलो काट लिए। आधा किलो काट लिए हर बार। अच्छा, कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम प्रसाद गुप्ता। गांव कौन सा है? आपके कार्ड पे टोल फ्री नंबर दिया गया, कभी शिकायत किए हैं उस पर? आपको पता है आपके कार्ड पर टोल फ्री नंबर क्या है? यहाँ लिखे हुए हैं, ये नंबर देखें, 1800 180 150 पे। अगर राशन कम मिला तो शिकायत करनी चाहिए ना? नहीं कर पाते हैं। 4 यूनिट। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशीष कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं? ये जो राशन लेके आप आ रहे हैं, कितना मिला आपको? 18 किलो। क्यों, आपका तो 20 किलो है। 18 किलो दिए हर बार, 19 किलो देते थे, इस बार 18 किलो दिए। क्यों, इस बाबत आपने कहा नहीं? हम बोले तो बोले नहीं, इतना ही मिलेगा, हम बहस नहीं की, इतना ही मिलेगा। क्या नाम है कोटेदार का? राजू साहब। राजू साहब, क्या क्या मिला है? चना रिफाइन है और नमक। तो आपने जब 20 किलो के बाबत बात करी तो क्या बोला? हर बार 19 किलो देते थे। हाँ। हर बार 19 किलो। हाँ। हम बोले कि कम से कम 19 किलो दीजिए, बोले नहीं 18 किलो, हम बहस नहीं की। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? कितना राशन मिलता है आपको? 20 किलो हो ही, अब हफ्ता धक्का खाओ ना, समझ पाए ना, किलो तक जी रात रहना तो ज्यादा तरह नहीं है। ज्यादा तब 30 किलो। 30 किलो मिलता है। कोटेदार है, क्या नाम है? हाँ, राजू नाम है कोटेदार का। आपको 30 किलो देते हैं? राजू प्रसाद गुप्ता। किस गांव के कोटेदार हैं? खजुरा के। जो आपके सामने ये आपके कार्ड धारक राशन कम लेके जा रहे हैं, तो आखिरकार क्यों इनको कम राशन दे रहे हैं? गोदाम से तौल कर नहीं मिलता है, फिर मिलता है 52 रुपये गेहूँ मिलता है, 1 रुपये चावल मिलता है। तो इसके बाबत आप भी तो शिकायत कर सकते हैं? शिकायत करते हैं, हम लोग को कोई शिकायत सुनता नहीं। हम लोग कई बार किसके यहाँ शिकायत करते हैं आप? हाँ, हम लोग शिकायत करते हैं अपने गोदाम पर, जो पटका बुला के करते हैं जो। अच्छा, तो इस बाबत यहाँ करते हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों को नहीं कर सकते आप? नहीं, कोई नहीं सुनता है। आपको राशन कम मिलता था, क्या करेंगे, कार्ड धारकों को कटौती करेंगे? आपका सप्लाई इंस्पेक्टर कौन है? सप्लाई इंस्पेक्टर कौन है? सतीश चंद्र कनौजिया। और तो या ये जो कमियां आती हैं, ये मिथिलेश सिंह के द्वारा जो है कम आपको राशन दिया जाता है?